मॉड्यूल 193, दिस मॉड्यूल इज रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी. हेयर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड टू डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स एंड डायग्राम्स दैट हाउ दिस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस अंडर दिस कॉन्टेक्स्ट, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द मार्केट साइज वेयर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, देन द अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स पेनिट्रेशन or its diffusion, then the internet business and robotic jobs, that kind of relationship, that how internet is going to affect the business and how robotic process is going to affect the jobs. So ye agar aap dekhe hain to first of all ye jo world largest companies hai unki market capitalization di gayi hai. Is graph mein Apple jo hai wo top ke upar hai, sabse upar jo Apple hai wo agar aap usko focus kare to Apple ki jo capitalization hai wo bahut zyada hai. लेकिन उसके बाद अल्फाबेट जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट है, फिर अमेजोन है, और फिर तो ये एक मेजर आप कहने मार्केट कैपिटलाइजेशन के रोल प्लेयर हैं. और बाकी बहुत सारी दूसरी कंपनीज भी हैं जो कि आपको इस टेबल में मिल जाएंगी, जिसमें आप अमेजोन के बाद आप देखें एक्जॉन मोबाइल है, फिर उसके बाद चाइना मोबाइल है, उसके बाद जे पी मॉर्गन है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, इस जो वॉलमार्ट स्टोर्स हैं, ये जो इम्पोर्टेंट और ज़्यादा रेनाउंड है, ये उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है. और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इसमें इनकी रैंकिंग दी गई है. तो ये रैंकिंग 2016 के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि उनकी क्या मार्केट में वैल्यू है, उनके कितने एसेट हैं मार्केट में, वो अपने एसेट के परस्पेक्टिव में टॉप पोजिशन पे कुछ आ गई. अच्छा, ये थोड़ा सा आपको परस्पेक्टिव बताएगा 2001, 2006, 2011 और 2016 का कि कंपनीज किस तरह अपनी पोजिशन उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में चेंज हुई. तो पहले जो कंपनीज थी उनमें आप देखें जो माइक्रोसॉफ्ट था वो भी काफ़ी आगे था, लेकिन वो फिर पीछे चला गया 2006, और फिर उसके बाद आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट काफ़ी पीछे. एप्पल जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया 2011 में, और उसके बाद वो टॉप के ऊपर आ गया. और फिर अगर आप देखें तो शेल जो है, उसके बाद जो ICBC है, ये पीछे चले गए, नई कंपनीज आ गई. माइक्रोसॉफ्ट अगर आप देखें तो ये यहाँ से इधर कहीं पीछे चला गया, लेकिन उसके बाद ये फिर अपनी पोजीशन को रिवाइव करने में कामयाब हो गया. और जो अमेजोन है वो फिर आ गया सिस्टम में, और फिर फेसबुक आ गया. तो ये इनकी इम्पोर्टेंस जो है एज पर यूज़र, क्योंकि जो यूज़र जिस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है तो उसके हिसाब से ये चीज़ें जो है मार्केट में इनकी कैपिटलाइजेशन इंक्रीज़ करती गई है. कंपनीज की वैल्यू देखें 1 बिलियन या उससे ज़्यादा जो उनका वेंचर कैपिटल है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ये टाइम पीरियड जो है 2014 का है, और ये आप 2016 में सिर्फ 2 ईयर्स का ही आप अगर देख लें तो कितनी रिमार्केबल चेंज आई है. ये इतनी बड़ी अमाउंट है जो कि ये इन्होंने इसको शो किया है, जो वेंचर कैपिटल है फर्म उनको इसके ज़रिए कंपनीज का जो वैल्यूएशन है. तो ये वैल्यूएशन जो है इसमें अगर आप देखें तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि कंपनी की एक तो कंपनीज का नंबर जो है सिर्फ 45 था 2014 में, और सिर्फ 2 साल में ये 154 पे चला गया, मोर देन 3 टाइम्स. एक बहुत बड़ी रिमार्केबल चेंज है. और उसके बाद इसकी जो कैपिटलाइजेशन जो थी वेंचर कैपिटल खासतौर पर फर्म्स, इनकी जो वैल्यू थी वो इंक्रीज कर गई, क्योंकि 10 बिलियन से थोड़ी सी ऊपर थी 2014 में, और वो 40 बिलियन जो है दो कंपनीज तो 40 बिलियन को भी क्रॉस कर गई, और बाकी कंपनीज बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो 10 बिलियन से 14 बिलियन के दरमियान में फॉल करी. तो एक बड़ी रिमार्केबल चेंज है जो कि बहुत क्विकली और रैपिडली हो रही है कंपनीज में ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन. अब अगर हम यहाँ पे देखें इस टेक्नोलॉजी जो है विद रेफरेंस टू डिफरेंट इक्विपमेंट्स, अगर आप ये देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल पहले थी, फिर रिले आ गया, फिर वैक्यूम ट्यूब आ गई, फिर ट्रांजिस्टर आ गया, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया. तो ये एक रिलेशनशिप शो कर रहा है इसका जो स्पीड के साथ है कि कैलकुलेशंस पर सेकंड कितनी स्पीड से जो कैलकुलेशन हो रही. तो पहले कैलकुलेशन की स्पीड ये थी, ये रिलेशनशिप था, और अब ये स्पीड चिप के साथ ये हो गई है. तो आप देखें कि 10^10 यानी अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो 10^2 or 3 से स्टार्ट होता है ये, और उसके बाद अब ये एक्सेल कर रहा है 10^2 to 10 जो है उसको क्रॉस कर गया, और ये इतनी ज़्यादा जो स्पीड है इसकी प्रोसेसिंग की वो हो गई है. दूसरी तरफ अगर आप यह देखें
टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जो है यूनाइटेड स्टेट में 1900 से प्रेजेंट यानी आप पूरी प्लस सेंचुरी सिचुएशन है, तो उसमें जो अवेलेबल चीज है वो ये है कि ये जो एंड पे आए हैं, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जब आप देखेंगे रश हो गया, पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसमें ये फ्यू लाइंस थी, लेकिन आप ये देखें ये रश ऑफ लाइंस क्रिएट हो गई है। रश ऑफ लाइंस का मतलब है रश ऑफ द प्रोडक्ट्स हैव अपीयर इन द मार्केट, कि पहले अगर टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, कार्स, रेडियो, फ्रिज ये चीजें चल रही थी, तो अब जो चीजें ज्यादा की उनमें टैबलेट आ गया, स्मार्टफोन आ गया, सोशल मीडिया आ गया, HDTV आ गया, हाई डेफिनेशन टेलीविजन आ गया, MP3 प्लेयर्स आ गए, डिजिटल कैमराज आ गए, इंटरनेट आ गया, सेलफोन आ गए, PCs आ गए, वीडियो गेम्स आ गए, माइक्रोवेव, ये बहुत ज्यादा रिमार्केबल चेंज आई है जो इस टेक्नोलॉजी की वजह से आई है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है इसने अपनी जो रिमार्केबल चेंज शो की है, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डिफ्यूजन हुई है टेक्नोलॉजी की, और ये चीज शो कर रही है कि कितनी सक्सेसफुली यूएस में ये चाइना जो यूएस है उसने इस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब किया है और उसका बेनिफिट किया है डिफरेंट काइंड ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स को सिस्टम में इनकर। तो यहाँ पे ये आपने देखा है कि किस तरह जो लार्ज नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो अराइव कर गए हैं सिस्टम के अंदर ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन, और ये सिर्फ इस टाइम पीरियड के बाद हुआ है, 1970 के बाद देखें अगर, तो 1970 के बाद ही। अब अगर आप देखेंगे इम्पैक्ट क्या इंटरनेट का, वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, खासतौर पर अगर आप इकोनॉमी को देखें यूएस की, ये जो इंटरनेट इम्पैक्ट है वो आपका ये बता रहा है जितना ज्यादा इम्पैक्ट है उतना ज्यादा ये जो है वो कलर्ड है, कंज्यूमर के ऊपर 100% इम्पैक्ट है, बिजनेस में आप कह रहे हैं 75% इम्पैक्ट आया, सिक्योरिटी सेफ्टी एंड वारफेयर में 50% इम्पैक्ट आया, एजुकेशन में 20% आया, हेल्थ केयर में भी तकरीबन 25% इम्पैक्ट आया, गवर्नमेंट रेगुलेशन और पॉलिसी थिंकिंग उसमें अराउंड अबाउट 15% या 14% इम्पैक्ट, तो ये इसका इम्पैक्ट सिस्टम बता रहा है। जो प्रोबेबिलिटी है कि रिबोट्स जो होंगे वो टेक ओवर कर लेंगे जॉब्स को नेक्स्ट 20 ईयर्स में, तो 100% प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वैल्यू क्लोज टू 1 है, ये दोनों वैल्यूज के टेलीमार्केट जो होगी वो रोबोटिक हो जाएगी, अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स की जॉब जो है वो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो खत्म हो जाएंगी, रोबोटिक में चली जाएंगी या ऑटो पे चली जाएंगी ऑटोमेटिक में, रिटेल, प्रोसेसर, टेक्निकल राइटर्स, उसके बाद रियल एस्टेट सेल एजेंट्स वो भी। तो ये रिमार्केबल चेंज आ रही है वो इस सेगमेंट तक आ रही है, आप समझ ले मशीनिस्ट तक, और मशीनिस्ट के बाद एक एक्टर्स तक का एरिया है जहाँ पे 50% अराउंड प्रोबेबिलिटी है ऑन एवरेज, और उसके बाद बिलो देन दिस, बिलो देन 20% प्रोबेबिलिटी, यानी ये सेफ एरियाज हैं जो फायर फाइटर्स होंगे, एडिटर्स होंगे, केमिकल इंजीनियर्स, क्लर्जी और एथलेटिक ट्रेनर्स जो होंगे, डेंटिस्ट होंगे, रिक्रिएशनल थेरेपिस्ट होंगे, इनकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये रिप्लेस हों इनकी जॉब, तो इनकी जॉब जो है प्रोबेबली एग्जिस्ट करेगी, सो ये सेफ रीजन में है, लेकिन वो बाकी लोगों की जॉब जो है जो पहले करते हैं जैसे रिटेल सेल्स पर्सन हैं, टेक्निकल राइटर्स हैं, इनकी जॉब चेंज नेचर चेंज हो जाएगी, तो इनके लिए डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की बेस पे वो अपने लिए कोई नए वेज, नई स्ट्रेटेजीज, नए प्रोडक्शन प्रोसेसेस और न्यू टाइप ऑफ जॉब्स जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर।